कठुआ प्रशासन मुर्दाबाद, कठुआ प्रशासन मुर्दाबाद, कठुआ प्रशासन मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, कठुआ हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, कठुआ हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद। इंजेक्शन दे दिया, तब तक वो दर्द नहीं थी, ऑपरेशन पर जगह चार पांच दिन से, प्लीज को इंजेक्शन लगाओ, जो नजर लगा दो नॉर्मल ट्रीटमेंट जो पूरा था रात का। फिर उसके बाद जब सुबह हम गए, कहने लगा कि इनके प्लेटलेट सेल कम है, तो प्लेटलेट सेल कम थे तो इनको एमरजेंसी वार्ड में लेकर जाते हैं, या कोई सांस में दिक्कत थी। ऑपरेशन उनसे सही नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये मेरे पास पर्ची पड़ी हुई है, लास्ट इन्होंने ये इंजेक्शन लगवाया ये बात। उसके बाद इन्होंने उसके हस्बैंड को अंदर बुलाया, कहने लगे कि उसकी डेथ हो, लेकिन कारण हमें कोई नहीं बताया कि डेथ कैसे, ये हम हॉस्पिटल में भी पूछ के आ रहे हैं। नहीं तो हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हाईवे जाम करें, लेकिन कम से कम हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे पेशेंट की डेथ किस वजह से हुई, और कोई पूछने वाला है ही नहीं। ये तो छोड़ो, जहाँ पे बच्चों की डिलीवरी के मतलब वार्ड्स हैं, साथ में उन्होंने डेंगू की वार्ड बना रखी है, अगर डेंगू था तो फिर ऑपरेशन थिएटर में क्या काम। ऐसा डिलीवरी वाली लेडी घर से जाती होती, उसके पहले सब टेस्ट होते हैं, शुगर, यूरिया, डेंगू, कोई भी चीज़, उसको कोरोना सब टेस्ट होते हैं। उन्होंने क्या किया था इसमें, अगर इसको डेंगू था, उन्होंने डिलीवरी की, ऑपरेशन किया, उन्होंने टेस्ट क्यों नहीं किए पहले? एक डिलीवरी सीरियस लेना चाहिए था, बच्चों होने वाली औरत है, और तकरीबन 9 दिन हो गए उसका ऑपरेशन हुए। अभी देखो इनका तो घर उजड़ गया, 2 दिन का उसका बच्चा है, वो तो लड़का बेचारा, वो तो चली गई, वो पीछे भी उसका सारा सत्यानाश हो गया। और हम वहाँ पे खड़े थे मीडिया वालों को बिलावर बनी बसोली से आए हुए लोग भी बाइट दे रहे थे। एक गुज्जर समुदाय का लड़का है बेचारा, उसकी 3 दिन से लड़की बीमार है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। अब हॉस्पिटल में भी ये चलने लगा कि कौन सी जात का बंदा है, कौन सी बरादरी का, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, किसका नहीं किया जाएगा। अभी 2-3 दिन की बात है, 2 घंटे तक उसके पास टाइम है खाना खाने के लिए रात को, फिर एक लड़की को बुलाया, नीचे आया एमरजेंसी में, वहाँ पर आके पूछा, कोई नहीं किसी को पूछता, फिर वहाँ से शिफ्ट करवा के उसको एमरजेंसी में ले आए हम। वो अभी लेडी ठीक है, लेकिन कह रहे मतलब टोटल कोई सुनते नहीं है। जो मैडम है, चित्रा मैडम है, उसके पास भी मैं 3 बार गया, वो सिर्फ क्या बोलती, मैं आपकी बातें सुनने के लिए नहीं आई। ये कौन सा सिस्टम है, ये हमारी बात सुन, इनको कौन पूछेगा, इनको कोई नहीं पूछ रहा वहाँ पर। जो हॉस्पिटल का सिस्टम है वो बिल्कुल खराब, बहुत गलत है। मेरी ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के आगे कि हॉस्पिटल के सिस्टम को ठीक बनाइए, ठीक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सिस्टम ठीक है। ये पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, आज क्या है, जीएमसी है, काफी कमी है, उनको दे जाए ताकि प्रोटेस्ट कर दिए। ये आज हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की वजह ये है कि हमारे गांव की एक लड़की मंगी देवी, जिसका आज डेथ हो गई है कठुआ हॉस्पिटल में, ड्यू टू नेगलेंसी जो है वो डॉक्टर्स की वजह से, इसकी वजह से हमने आज प्रोटेस्ट जो है वो बरनोटी में रखा है। आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि 10 दिन पहले डिलीवरी केस था, वो अच्छे तंदुरुस्त घर से गए, कोई ऐसी बात नहीं है, और हॉस्पिटल में पहुँचे, उनके पूरे टेस्ट हुए और सब टेस्ट जो थे वो नॉर्मल थे, कोई डेंगू शेंगू कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। और हॉस्पिटल में गए, उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद उनको एक लड़का हुआ। तो अमूमन क्या होता है कि जब ऑपरेशन होता है तो 4-5 दिन के बाद मतलब डिस्चार्ज किया जाता है, लेकिन इनको उन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया, और फिर परसों उन्होंने टेस्ट करवाया, तो टेस्ट में उन्होंने कहा कि डेंगू का टेस्ट करवाओ, तो उसमें नॉर्मल जो शिकायत थी, जो कि डॉक्टर साहब खुद अपने मुँह से बता रहे हैं कि नॉर्मल शिकायत है इनको डेंगू की, जिसकी वजह से मतलब कि आप इनको नारियल का पानी या कुछ ऐसा तरीका करो जिससे ये ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है।
आज सुबह सुबह हमारे जो लोग थे उनके पास, उन्होंने फोन किया हमें कि उनकी जो हालत है वो बड़ी क्रिटिकल हो गई है, उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। अब मेरे को ये बताओ कि अगर लेडी को डेंगू था तो उसको इमरजेंसी वार्ड में ले जाते या कोई और ट्रीटमेंट करते, ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाने वाले क्या बात थी? उसके बाद अगर उनको कोई सांस में दिक्कत आ रही थी, वो ICU में चढ़ाते तो उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाने की बात क्या थी? उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में जाके एक इंजेक्शन लगाया, उसके बाद हमारी लेडी जो है मंगी देवी वहाँ से उठी नहीं और वो डेड हो गई। इसका मतलब साफ साफ ये है कि डॉक्टरों से जो ऑपरेशन था वो सही नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो छुट्टी नहीं दे रहे थे। और आज उनकी नालायकी की वजह से 22 साल की लड़की जो है, जिसका 9 महीने का बच्चा रह गया, वो आज इस दुनिया को छोड़ के जहाँ से चली गई है। और आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, ये मेडिकल कॉलेज कठुआ नाम का बना हुआ है, कहो तो इधर किसी नाम की कोई चीज़ की फैसिलिटी है? बिल्कुल नहीं है। इधर उन लोगों का ट्रीटमेंट होता है जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े साहूकार लोग हैं, उन लोगों का ट्रीटमेंट होता है। उनके आसपास चार चार डॉक्टर घूमते रहते हैं। और जो गरीब परिवार से कोई बच्चा या कोई भाई बहन चला जाता है हॉस्पिटल में, उसको देखने वाला कोई नहीं है। उसके साथ इतनी बेकदरी हो रही है। गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे कर रही है कि हम मेडिकल फैसिलिटी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो कागजों में है, ग्राउंड लेवल पे किसी को कोई किस्म का बेनिफिट नहीं है। आज कोई भी थोड़ी सी भी बात होती है, चलो जम्मू रेफर। कठुआ में कोई इनके पास ना कोई बढ़िया मशीनरी अवेलेबल है, ना कोई कुछ अवेलेबल है। देखो हॉस्पिटल में बंदा ठीक होने के लिए जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हॉस्पिटल में जाके हमारी लेडी को डेंगू हो रहा है और वहाँ पे जाके वो पूरी हो रही है, हालांकि घर में उसको कोई डेंगू नहीं था। इस हिसाब भी आए हुए हैं पुलिस। आप क्या डिमांड करते हैं, जिस तरह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारी ये डिमांड है, एक तो हम जो लेडी के साथ होना था वो हो गया, आइंदा से हॉस्पिटल में किसी के भी साथ कोई ऐसा मतलब कि बर्ताव ना हो जिसकी वजह से कोई बंदा विदाउट ट्रीटमेंट के मर जाए।